अरे वाह, कपड़े तो एकदम मस्त पहन रखे हैं। कितने के हैं? बस ज्यादा कुछ खास नहीं गुलाबो बाबी, 5,000 रुपए का सूट है। 5,000? कंजूस कहीं के 5,000 के कपड़े पहन सकता है, लेकिन मेरे 200 रुपए जो पिछले 6 महीने से अटके पड़े हैं वो नहीं दे सकता, नलायक कहीं का। अरे भाभी, आपकी उम्र बहुत लंबी है, मैं आपको अभी याद कर रहा था और आप प्रकट हो गए। बोल, क्या काम है? काम एक्चुअली ये है भाभी जी, मेरे घर ना सर्वे वाले आ रहे हैं। तो मैं क्या करूं? अरे सुनिए तो सही, वो सर्वे करके जाएंगे कि पति पत्नी में आपस में बॉन्डिंग कैसी है, वो अपने बच्चे का रख रखाव कैसे करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और आपको पता है, अगर मैं सर्वे में पास हो गया ना, तो मुझे वो 2,000 रुपए इनाम के देके जाएंगे भाभी जी। तो इसमें मेरा क्या फायदा? आपका फायदा ये होगा कि मैं डिस्काउंट और जीएसटी काट के आपको भी 500 रुपए दे दूंगा। और पिछले वाले 200 रुपए वो कौन देगा? अरे वो तो चलो ठीक है, आपको टोटल मैं 700 रुपए दे दूंगा। बस भाभी जी, आप है ना मेरे साथ पति पत्नी बन जाओ। पत्नी? बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? तेरे भैया को पता चल गया, यानी मेरे पति को, तो पता कितना बड़ा हंगामा हो जाएगा। अरे भाभी जी, एक दिन का मतलब सर्वे वालों के सामने एक्टिंग करनी है, झूठ मूठ की सिर्फ। मेरे को कोई एक्टिंग एक्टिंग नहीं आती, समझ गया? मेरे को तो जो हकीकत है ना, मैं तो वही करूंगी। अगर करवानी है तो करवा ले। क्या करवा ले? झूठ मूठ की एक्टिंग की बच्ची है ये, तेरे को एक्टिंग मुझे नहीं चाहिए। 2,000 रुपए तेरी मेहनत करूंगा मैं, शकल देखे अपनी भैंस जैसी, और देखे इतने बड़े बड़े क्रिश गेल की माँ लगती है तुम। चाहे मेरी शकल कैसी हो, वक्त पड़ने पे तुझे दारू पीने के लिए पैसे नहीं देती हूँ, समझा? निकाल मेरे 200 रुपए। तू रहने दे, 200 रुपए की बच्ची है ये, भाभी कहीं की। ये तो मैं भाभी भाभी बोल के तुझ पे एहसान कर रहा हूँ, तुझे तो मैं नौकरानी ना बोलूं, नौकरानी। समझ जा, वरना ये तेरे 5,000 के कपड़े है ना, यहीं पे फट जाएंगे। मेरे 200 रुपए निकाल। मेरे गिरेबान पे झांकने की कोशिश मत कर, मेरा गला घुट रहा है, भाभी की बच्ची हाथ उधर कर। भाभी तू मेरे घर से निकल, चल फटाक से। हेलो, हाँ जी, आपका नाम मटरू है? जी मेरा ही नाम मटरू है, बैठिए। आप कौन है साहब? हाँ जी मैं अधिकारी हूँ, सर्वे वाला। बच्चों की मम्मी कहाँ है? जी मैं बच्चे की माँ हूँ। जा जाके पहले पोलियो की 2 बूंद पी के आ। मैं माँ हूँ बच्चे की, साहब बच्चे की माँ मैं हूँ। आप माँ आदमी होकर? तेरी मैं सारी पोल खोल दूंगी, ढंग से नाटक कर ले, समझा? क्या पोल खोल देंगी ये? क्या बोल रही है ये? अरे साहब कुछ नहीं, वो बिजली के पोल पे इसने धागा बांध दिया था मन्नत का, कि जब मेरे बच्चा होगा, सर्वे वाले अधिकारी जी आएंगे, तो मैं धागा खोल दूंगी। साहब आपको पता है, ये तो कुछ भी बोलती रहती है। देखो साहब, जब मेरे बच्चा हुआ था तो मेरी बीवी मायके गई हुई थी, इसको कुछ भी आइडिया नहीं है। पर आपने तो फोन पर कहा था होम डिलीवरी घर पर हुई है। साहब होम डिलीवरी हुई ना, क्योंकि अस्पताल में बच्चा पैदा हुआ है। तो अस्पताल में बच्चा पैदा हुआ है तो होम डिलीवरी घर पर कैसे होगी? अरे आप समझे नहीं साहब, मेरी बातों का अर्थ पूरी तरीके से नहीं समझे। एक्चुअली इनका जो घर है ना, वो अस्पताल में है, और अस्पताल के बेड पे ये लेटी हुई थी। मरीजों के सोने के लिए तो बेड पे जगह होती नहीं, तो बेड पे बच्चा हुआ था तो होगी ना होम डिलीवरी। अच्छा अच्छा, ये बताओ आप मिले कहाँ थे?
जंगल में, बीच में। ये कह रहे हैं जंगल में, आप कह रहे हो बीच में। अरे साहब आप समझे नहीं, ये सही तो कह रही है, हम दोनों जंगल के बीच में मिले थे। चल ठीक है, आप ये बताओ आप घर पर साफ सफाई का ध्यान कितना रखते हो? अरे बहुत ध्यान रखते हैं साहब, बहुत ध्यान रखते हैं, सफाई का तो विशेष ध्यान रखते हैं। स्वच्छता अभियान तो हमारे घर से ही शुरू होता है, आपको पता है हम जो ब्रश इस्तेमाल करते हैं ना, वो भी सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं। आज मेरी बारी थी, कल इसकी बारी है, ये यूज करेगी। एक मिनट, मैं तेरा गंदी और बेहुदा नहीं हूँ जो तेरा गंदा ब्रश यूज करूंगी, समझ गया? ए मेरे ब्रश को गंदा नहीं बोलने का समझी, तेरे दांत तोड़ दूंगा, ना रहेंगे दांत, ना करेगी तू ब्रश। तेरी इतनी कितनी हिम्मत मेरे दांत तोड़ने का? तू होता कौन है मुझे ये बोलने वाला? मैं कौन होता हूँ? तू अभी तक पूछ रही है, मैं लाफा मार दूंगा और तू रहने दे मेरे साथ। लाफा मार देगा? हाथ उठा के दिखा, लाफा मार देगा। तू रहने दे, नारी उत्थान की बातें करता हूँ मैं, तेरे पे हाथ नहीं उठा सकता, वरना है ना? वरना क्या? वरना मैं तेरी जबाड़ी तोड़ दूंगा। अरे तेरे में तो अक्कल नाम की चीज नहीं है। नहीं अक्कल तो तेरे में ही है, अक्कल का ठिकाना तो यहाँ पे भरा पड़ा है ना। अरे तुझमें जितनी अक्कल है ना, उतनी तो मेरी हर वक्त खराब रहती है, समझा? वाह क्या बात कही है, खुद ही एक्सेप्ट करती है कि तेरी अक्कल हमेशा खराब ही रहती है। देखो जी फालतू ना बोलो, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अरे भाई बस चुप करो, आप ऐसे कुत्ती बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो नहीं, मुझे पक्का पता चल गया है आप पति पत्नी हो। अरे वाह भाई साहब, इतना जल्दी सर्वे फिनिश भी हो गया, लाओ भाई साहब मेरे 2000 रुपए दो। अरे तुम्हारे घर चेक आ जाएगा, अब मैं चला। ले भी मटरू, तेरा काम तो मैंने कर दिया, अब जल्दी से मेरे 700 रुपए निकाल। बैरी जब चेक आएगा तभी तो तुझे पैसे दूंगा। सरकारी काम का तो वैसे ही भरोसा नहीं है, 2 साल लटका दे, और तेरा तो मुझे अब वैसे भी नहीं रहा, जल्दी से मेरे 700 रुपए निकाल। तुझे बोल दिया ना चेक आने पे ही दूंगा। देख बटरू मुझे गुस्सा आने दिला, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? क्या करेगी तू, क्या करेगी?